स्नील मैस कुकिंग में आपका स्वागत है। तो क्या आपको पता है आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं बिस्किट्स के कपकेक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमने बिस्किट ले लिए हैं, हमने क्रीम वाले बिस्किट्स लिए हैं, हमने तीन तरह के बिस्किट लिए हैं, चॉकलेट, ऑरेंज एंड इलायची फ्लेवर। और ये हमने उनकी क्रीम को सेपरेट कर लिया और ये बिस्किट्स को अलग कर लिया। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें जार में डाल के पीस लेते हैं। ऐसे तोड़ तोड़ के हम इसमें डाल देंगे। और इनका अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे और इनका पाउडर बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने बिस्किट्स का पाउडर बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। हमने भी एक कप दूध लिया है। हमने इसमें एक कप दूध डालना है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, फिर इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ऐसे अच्छे से चलाते हुए हम इसे मिक्स करते जाएंगे। देख सकते हैं कुछ इस टाइप का बैटर बनके तैयार हुआ है हमारा। पर ये कुछ ज़्यादा ही थिक है तो हम इसमें थोड़ा सा दूध और डाल रहे हैं। थोड़ा ही सा लिया है हमने, दो चम्मच के लगभग। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज हम हमारे कपकेक कुकर में बना रहे हैं। तो ये हमने कुकर में ये पहले से यूज़ किया हुआ नमक था हमारे पास, तो हमने उसको इसमें डाल दिया है। आपके पास कोई स्टैंड हो तो आप स्टैंड भी रख सकते हैं इसके ऊपर। हमने ऐसी कटोरी रख दी है, अभी ये प्री हीट हो रहा है। इस पर हम ऐसी प्लेट रख देंगे। अभी हम इसे प्री हीट होने देते हैं 5 मिनट के लिए। ये हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। देखिए कुछ इस कंसिस्टेंसी का बैटर बनके तैयार हुआ है हमारा। अब हम इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे। ये हमने इनो फ्रूट सॉल्ट लिया। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छी कपकेक बनके तैयार होंगी हमारी। हमारी कटोरी ही पहले से ग्रीस करके रखी हुई थी। तो चलिए अब हम हमारा बैटर भर लेते हैं। बस इतना ही भरेंगे इनको, क्योंकि ये फूल के ऊपर आएंगे। हमें ज्यादा ऊपर नहीं भरना है, इन्हें हल्का सा भरना है ताकि इनके एयर बबल्स निकल जाए। देखिए हमने दोनों में ऐसे भर के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इन्हें कुकर में रख देते हैं। हमें इन्हें कितनी देर के लिए पकाना है? 10 मिनट
10 मिनट के लिए रखते हैं पहले, कम से कम 10 मिनट के लिए। हमने कुकर को बिना रबर और बिना सीटी का यूज किया है। तो चलिए, जब तक हमारे कपकेक्स बन के तैयार हो रहे हैं तब तक हम इसके लिए क्रीम बना लेते हैं। तो हमने बिस्किट्स की जो क्रीम निकाल के रखी थी, अब हम उसकी क्रीम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे शुगर, हमने पाउडर्ड शुगर का यूज़ किया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की क्रीम बन के तैयार हो गई है हमारी आइसिंग क्रीम। इस टाइप की क्रीम बना के तैयार कर लेनी है हमें। अगर आपके पास वैसी कटोरी नहीं है तो आप फिर भी कपकेक्स बना सकते हैं। इस टाइप के जो हो चाय के ग्लास होते हैं ना, बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, आप इनमें जमा सकते हैं। और ये हमारा बैटर कुछ बच गया था तो अब हम उसको इसमें फिल कर देंगे। ऐसा करने से बहुत ही आसानी से ही निकल आते हैं क्योंकि इन्हें हमें ग्रीस भी नहीं करना पड़ता है। पूरा फुल फुल नहीं भरना है, मैंने थोड़ा कम भरना है। ये देखिए इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमारे कपकेक्स बनके तैयार हो गए हैं। अभी हम इन्हें जरा चेक कर लेते हैं, ऐसे टूथपिक से हमें इन्हें चेक कर लेना है। देखिए बिल्कुल साफ निकली, इसका मतलब ये हमारे पक चुके हैं और इन्होंने साइडें भी छोड़ दी हैं। देखिए तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। अच्छे फूले फूले है कपकेक्स बनके तैयार हुए हमारे। ऐसे हम इन्हें बहुत ही सावधानी से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे क्यूट क्यूट कपकेक्स बनके तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुए हैं। कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट भी हैं और बहुत फ्लफी भी। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह से हम बाकी के भी निकाल के इसमें रख लेते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट एंड फ्लफी बन के तैयार हुए हैं। तो अब जो हमने चॉकलेट सॉस बनाई थी हम उसे इन पे लगा लेते हैं। इनको निकालना तो बहुत ही आसान है, बस ऐसे करें। इन्हें निकालना तो बहुत ही आसान होता है, बस इस कप को ऐसे बांध देना है और ये निकल आए। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए कितना सॉफ्ट एंड फ्लफी बना है। चलिए अब हम इन पे चॉकलेट सॉस लगा लेते हैं जो हमने बनाई थी। वैसे तो ये खाने में वैसे ही बहुत अच्छे लगेंगे।
देखिए इस तरीके से। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे कपकेक्स बनके तैयार हुए हमारे। तो आप देख सकते हैं हमारी मिक्स फ्लेवर्ड कपकेक तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कुछ छोटे छोटे बेबीज, कुछ बड़े बड़े अलग अलग टाइप्स के शेप्स के, कितने अच्छे लग रहे हैं। आप भी बनाइए, हमें बताइए आपको कैसे लगे। ये बहुत ही ईजी होते हैं, जब भी आपका मन करे आप इन्हें 10 से 15 मिनट में आसानी से बना सकते हैं। आप भी बनाइए और हमें बताना कि हमें आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। बाय बाय।